राजधानी भोपाल में बच्ची से रेप मामले में फिलहाल बंद प्राइवेट स्कूल एक दो दिन में फिर खोला जाएगा। अब इसका संचालन शिक्षा अधिकारी करेंगे। स्कूल में 324 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगले सत्र से स्कूल की मान्यता रिन्यू नहीं की जाएगी। दरअसल 6 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि स्कूल का संचालन DEO करे। जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि भोपाल में पहली बार कोई प्राइवेट स्कूल की कमान सरकारी हाथ में लेंगे। हालांकि नियम है कि यदि किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है तो उसके संचालन की कमान प्रशासन ले सकता है। बता दें कि कमला नगर इलाके के प्राइवेट स्कूल के टीचर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। मामले सामने आने के बाद दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और स्कूल की मान्यता रद्द करने और आरोपी टीचर को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया था और इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कमला नगर थाना पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। चलिए ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखें इसे, स्कूल को बंद कर दिया गया था और अब स्कूल की मान्यता अगले साल रिन्यू भी नहीं की जाएगी, लेकिन फिलहाल अब इस प्राइवेट स्कूल की कमान सरकारी हाथों में जाने वाली है। मामला है, मामला है का निर्णय लिया गया हो, जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, कलेक्टर ने, दो सदस्यीय मतलब दो टीमें बनाई गई थी इसकी जांच के लिए। एक तो जो अपराध से संबंधित टीम थी जो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए स्कूलों में उस पर काम कर रही थी, दूसरी टीम जो थी 7 सदस्यीय टीम थी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी या इस बात पर जाँच कर रही थी कि जो 324 बच्चे हैं उनके भविष्य भी खराब ना हो, क्योंकि आधा सत्र बीत चुका था तो उनकी पढ़ाई लगातार कैसे जारी रख सके, उस पर दिशा में काम कर रही थी। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि शिक्षा विभाग ही क्यों ना इस स्कूल को चलाए, अगली बार इसका रिन्यू ना किया जाए, मान्यता अगली बार रद्द कर दी जाए, तब तक जल्दी ही यहाँ पे कोई सरकारी प्राचार्य को वहाँ पे पदस्थ कर दिया जाएगा, संकुल शिक्षक हो सकते हैं या कोई सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं जो वहाँ पदस्थ किए जाएंगे जो स्कूल का संचालन करेंगे। इस दिशा में सरकार ने फैसला ले लिया है, हम कह सकते हैं अच्छी पहल है। इससे एक तरह से उन स्कूलों को सबक मिलेगा, स्कूल प्रबंधन को एक सबक मिलेगा कि भविष्य में उनके स्कूल में इस तरह की घटना होती है तो सरकार मान्यता रद्द करने के साथ साथ अधिग्रहित भी कर लेगी और अगले साल सत्र में उसकी मान्यता रद्द कर देगी। हम देखते हैं कि ये घटना 15 दिन पहले ही की है, 15 दिन से बच्चे घरों पर बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, इसलिए ये निर्णय एक तरह से पहली बार इस तरह का निर्णय मध्य प्रदेश में हो रहा है और सराहनीय निर्णय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 दिन पहले ही रतलाम में इस तरह की घटना हुई कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो जिस तरह की घटनाएं स्कूलों में देखने को मिल रही हैं उसके लिए एक सराहनीय कदम है, कह सकते हैं अच्छा निर्णय है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं होंगी तो उस स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी, बच्चों का भविष्य भी खराब नहीं होगा और उस स्कूल को शिक्षा विभाग संचालित करेगा। तो इस तरह के फैसले से स्कूल प्रबंधन पर एक प्रेशर बनेगा कि वो अपने यहां सुरक्षा के तमाम मापदंडों का पालन करें, क्योंकि इस घटना के बाद हमने देखा है कि बाकायदा सभी स्कूलों से एक तरह से मालूम किया गया है, उनसे जानकारी ली गई है कि उनके यहाँ जो शिक्षक हैं, चौकीदार हैं, तमाम जो स्टाफ है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो इस घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा निर्णय है और इससे भविष्य में दूसरे स्कूलों में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। रितिका, बिल्कुल ब्रजेश जी आपने ठीक कहा कि अगर इस तरह का निर्णय शिक्षा विभाग की ओर से लिया जा रहा है तो सभी स्कूलों के लिए एक सबक तो हो ही जाएगा, लेकिन उन अभिभावकों को कैसे शिक्षा विभाग सरकार की ओर से हैंडल किया जाएगा जिन अभिभावकों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि अब अगले साल तो इस स्कूल की मान्यता रिन्यू नहीं की जाएगी और कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, जो बाकी के प्राइवेट स्कूल है, ये जो शिक्षा विभाग ने कदम उठाया इससे सबक मिल रहा है, लेकिन और क्या नियम कानून बनाए जाएंगे कि किसी प्राइवेट स्कूल में अब इस तरह की हरकत देखने को ना मिले मध्य प्रदेश में? देखिए रितिका, ये पहले से ही नियम है कि यदि किसी स्कूल में इस तरह की गतिविधि पाई जाती है या वो सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसको सरकार अपने अधीन करके खुद चला सकती, उसी नियम के तहत इसको अधिकृत किया गया है। हम कह सकते हैं कि एक पूरा सत्र इसी नियम के तहत उसका पालन कराया जा रहा है कि वो सत्र में बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जो बात कही आपने, पालक कैसे, उसके पेरेंट्स कैसे सहमति होंगे, तो उनसे भी चर्चा, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी उन्होंने चर्चा किए थे, उसमें सुझाव आए थे कि शिक्षा विभाग खुद चलाए, हालांकि वो शिक्षक वही रहेंगे जो वहाँ पर पढ़ाते थे, प्रबंधन
इनका हाथ शिक्षा विभाग के अधीन होगा और जो बच्चों की फीस है, जो फीस वहाँ पे ली जाती है, उससे पूरे स्टाफ का खर्चा निकाला जाएगा। तो इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, सिर्फ प्रबंधन सरकार के हाथ में होगा, शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा जो दी जा रही है वहाँ टीचरों द्वारा उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो मुख्य पदाधिकारी होगा, हम कह सकते हैं जो प्रचारी होगा, प्रिंसिपल होगा स्कूल का, वो सरकारी होगा और सरकारी मापदंडों के अनुसार वहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। तो इसमें कोई कहीं तरह से ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि अगले सत्र में क्या होगा, तो इसमें हमने देखा आरटीए के तहत भी 70 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनकी भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं। उसका भी सुझाव कमेटी ने दिया है कि जो बच्चे हैं उनका या तो पास के नज़दीक के स्कूलों में बाकायदा सरकार के दखल से उनका एडमिशन कराया जाएगा नए सत्र में, जहाँ उनके माता पिता चाहेंगे वहाँ पर, और जो आरटीई के तहत जो 80 बच्चे हैं उन बच्चों का भी अन्य स्कूलों में आसपास के में, जिन स्कूलों में 324 बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा, उन बच्चों का भी वहाँ पर प्रवेश कराया जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आसपास के में जिसमें अभिभावक चाहते हैं, यदि अभिभावक चाहते हैं दूसरे स्कूलों में होगा, यदि वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो सरकार, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी उनकी मदद करेंगे। तो ये भी निर्णय है उस कमेटी में, ये भी सुझाव है। तो भविष्य में अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि अगले सत्र में उनका क्या होगा। हो सकता है तब तक इस स्कूल का और कुछ जो यदि स्कूल प्रबंधन है कोर्ट जाता है, क्योंकि शिक्षक की लापरवाही हुई है, प्रबंधन की क्या क्या लापरवाही हुई वो दूसरी कमेटी में आया है, तो हो सकता है उसको मान्यता रिन्यू भी कर दी जाए कुछ शर्तों के साथ। तो ये तो भविष्य में देखने की बात होगी। यदि अलग जगह पर एडमिशन कराया जाएगा तो उसका भी बाकायदा समाधान प्रशासन ने किया हुआ है। बिल्कुल ब्रजेश जी, ठीक कहा आपने कि मान्यता रिन्यू होती है या नहीं, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग की ये जो पहल है उसे कहीं ना कहीं सभी स्कूलों के लिए एक सबक के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में 5 साल की मासूम के साथ जो दुष्कर्म की घटना सामने आई थी उसको लेकर शिक्षा विभाग की पहल, और अब अगले सत्र तक शिक्षा विभाग यानी सरकारी अधिकारियों के हाथ में स्कूल का पूरा संचालन चला गया है। सरकारी जो अधिकारी हैं वो उस स्कूल को अगले सत्र तक चलाएंगे।